गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का 10th वीडियो लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टेबल के ऊपर कौन कौन से कंस्टेंट्स लगाए जाते हैं, और इस वीडियो में भी हम कंस्टेंट के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप कंस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ, और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट्स देखते हैं ये क्या होता है। तो वी कैन डिस्टिंग्विश टू मेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट्स। तो रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट्स को हम दो मुख्य भागों में, दो मेन टाइप्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहले को बोलते हैं कार्डिनैलिटी कॉन्स्टेंट्स और दूसरे को बोलते हैं पार्टिसिपेशंस कॉन्स्टेंट्स। तो देखते हैं कार्डिनैलिटी कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो इट डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। तो कार्डिनैलिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है होने चाहिए जिसमें एक एंटिटी पार्टिसिपेट करती है। तो ये नीचे के एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी रेशियो। तो कार्डिनैलिटी रेशियो जो है वो चार टाइप्स के होते हैं। पहले को बोलते हैं मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम रेशियो एन से। दूसरे को बोलते हैं मैनी टू वन कार्डिनैलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम रेशियो वन से। तीसरे को बोलते हैं वन टू मैनी कार्डिनैलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वन रेशियो एन से। और लास्ट यानी कि फोर्थ को बोलते हैं वन टू वन कार्डिनैलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वन रेशियो वन से। कार्डिनैलिटी रेशियो में सबसे पहले देखते हैं मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो। तो इसमें क्या होता है, तो मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो में एन एंटिटी इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एनी नंबर जीरो और मोर ऑफ एंटिटीज इन सेट बी। एन एंटिटी इन सेट बी कैन बी एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन सेट ए। तो मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक कोर्स नाम की एंटिटी है, कोर्स नाम का टेबल है। तो मैनी टू मैनी का मतलब ये है कि स्टूडेंट नाम के टेबल में, स्टूडेंट नाम की एंटिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट होने चाहिए और कोर्स नाम के टेबल या एंटिटी में भी बहुत सारे कोर्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट नाम के एंटिटी में बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक कोर्स को ले सकते हैं और कोर्स नाम के एंटिटी में बहुत सारे कोर्स किसी एक स्टूडेंट को हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट नाम के टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोर्स नाम के टेबल में बहुत सारे कोर्स के नाम है, तो ये मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप है। तो एग्जाम्पल में यहाँ देखते हैं वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन एनी नंबर ऑफ कोर्सेस। तो मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो में क्या होता है कि स्टूडेंट टेबल में एक स्टूडेंट जो है एनी नंबर ऑफ कोर्सेस को वो एनरोल कर सकता है, अटेंड कर सकता है, और उसी तरीके से वन कोर्स कैन बी एनरोल्ड बाय एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और उसी तरीके से कोर्स टेबल में एक कोर्स को हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं, कोर्स भी बहुत सारे हैं, तो इसको मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो बोलते हैं। अब समझते हैं मैनी टू वन कार्डिनैलिटी रेशियो क्या है। तो एन एंटिटी इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी इन सेट बी। एन एंटिटी इन सेट बी कैन बी एसोसिएटेड विद एनी नंबर जीरो और मोर ऑफ एंटिटीज इन सेट ए। तो मैनी टू वन कार्डिनैलिटी रेशियो में क्या होता है कि जो एंटिटी स्टूडेंट की जो एंटिटी है हमारे पास, स्टूडेंट का जो टेबल है वो, और कोर्स नाम का जो टेबल है, कोर्स नाम की जो एंटिटी है वो, तो स्टूडेंट नाम की एंटिटी में टेबल में
तो स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, बट कोर्स नाम के टेबल में कोर्स केवल एक ही होगा। तो स्टूडेंट नाम के टेबल में एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो है कोर्स नाम के टेबल में केवल एक ही कोर्स को चूज़ करेंगे। कोर्स केवल एक ही है, एक से ज़्यादा कोर्स है ही नहीं। तो यहाँ स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो ये मैनी को इंडिकेट करता है, और कोर्स नाम के टेबल में कोर्स केवल एक ही है तो ये वन को इंडिकेट करता है। इस तरीके से एक रिलेशनशिप बनता है मैनी टू वन कार्डिनैलिटी रेशियो। तो एग्जाम्पल में जैसे कि वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन एटमोस्ट वन कोर्स, तो स्टूडेंट टेबल में अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट भी कोर्स केवल एक ही चूज करेगा, और स्टूडेंट टेबल में अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट है तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी केवल एक ही कोर्स को चूज करेंगे। उसी तरीके से वन कोर्स कैन बी एनरोल्ड बाय एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसी तरीके से एक कोर्स हम किसी एक स्टूडेंट को भी दे सकते हैं और एक कोर्स जो है एक से ज़्यादा स्टूडेंट को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हर हाल में जो है कोर्स केवल एक ही रहेगा, बट स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो मैनी टू वन कार्डिनैलिटी रेशियो इसी को कहते हैं, वन टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो। तो वन टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो में देखते हैं क्या होता है। तो एन एंटिटी इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एनी नंबर 0 और मोर ऑफ एंटिटीज इन सेट बी। एन एंटिटी इन सेट बी कैन बी एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी इन सेट ए। तो वन टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो में क्या होता है कि यहाँ हमारे पास दो एंटिटी है, दो टेबल है, एक का नाम स्टूडेंट है, दूसरे का नाम कोर्स है। तो स्टूडेंट टेबल में एक नाम का एक ही स्टूडेंट होगा, बट कोर्स में बहुत सारे कोर्सेस डिफाइन होंगे। तो स्टूडेंट टेबल में एक नाम का एक स्टूडेंट जो है एक कोर्स में एनरोल करा सकता है या फिर एक से ज़्यादा कोर्सेस में अपने आप को एनरोल करा सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम के टेबल में एक नाम का एक ही स्टूडेंट है, इसलिए उसको वन बोलेंगे, और कोर्स नाम के टेबल में बहुत सारे कोर्सेस है इसलिए उसको मैनी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो कार्डिनैलिटी रेशियो जो बन रही है वो वन टू मैनी कार्डिनैलिटी रेशियो बन रही है। तो जैसे कि वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन एनी नंबर 0 और मोर ऑफ कोर्सेस। तो एक स्टूडेंट जो है किसी एक कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकता है या फिर एक से ज़्यादा कोर्सेस में अपने आप को एनरोल करा सकता है। उसी तरीके से वन कोर्स कैन बी एनरोल बाय एटमोस्ट वन स्टूडेंट। उसी तरीके से एक कोर्स या एक से ज़्यादा कोर्सेस में अगर एडमिशन दिया जाएगा तो केवल एक ही स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो अब देखते हैं वन टू मैनी वन टू वन कार्डिनैलिटी रेशियो क्या है। तो एन एंटिटी इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी इन सेट बी। एन एंटिटी इन सेट बी कैन बी एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी इन सेट ए। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास दो एंटिटी है, दो टेबल के नाम है, एक का नाम स्टूडेंट है, दूसरे का नाम कोर्स है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में एक ही यूनिक नेम होगा और कोर्स टेबल में भी एक ही कोर्स होगा, एक से ज़्यादा कोर्सेस नहीं होंगे। तो एक स्टूडेंट एक कोर्स को लेगा और एक कोर्स ऑब्वियसली एक ही स्टूडेंट को मिलेगा। मतलब अनिल नाम का एक स्टूडेंट है तो अनिल नाम का एक कोर्स लेगा BCA। उसके बाद स्टूडेंट टेबल में अगर अमित नाम का एक दूसरा स्टूडेंट है तो अमित भी एक ही कोर्स को लेगा। सोहन नाम का एक तीसरा व्यक्ति है तो सोहन भी एक ही कोर्स लेगा। तो इसको देखते हैं, जैसे कि वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन एटमोस्ट वन कोर्स। एक स्टूडेंट केवल एक ही कोर्स में एनरोल कराएगा, और उसी तरीके से वन कोर्स कैन बी एनरोल बाय एटमोस्ट वन स्टूडेंट। उसी तरीके से एक कोर्स केवल एक ही स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो इसको वन टू वन कार्डिनैलिटी रेशियो बोलते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का मेरा ये वीडियो लेक्चर 10th यहीं पे फिनिश होता है, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।